चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 14th मार्च का द वोकैब, सो जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है क्रस्क। क्रस्क क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सीरियस पार्ट ऑफ अ मैटर, प्रॉब्लम और आर्ग्यूमेंट। यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होना, सीरियस पार्ट होना, या किसी प्रॉब्लम का या कोई आर्ग्यूमेंट है उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या कहलाता है? क्रस्क। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एसेंस या कर्नल। याद करने की ट्रिक देखिए, चिंटू का करियर उसके लाइफ का क्रस्क है। यानी कि चिंटू का करियर उसके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे सीरियस पार्ट है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द क्रस्क ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज इट्स फॉरेन डेब्ट। यानी जो कंट्री का इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका क्रस्क, यानी उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? फॉरेन डेब्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पिटफॉल। पिटफॉल क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ हिडन और अनसस्पेक्टेड डेंजर और डिफ़िकल्टी। यानी कोई भी ऐसा डेंजर, कोई भी ऐसा खतरा या कोई डिफ़िकल्टी है, वो जब हिडन हो या अनसस्पेक्टेड हो, यानी उसके बारे में कोई पता नहीं लगा पा रहा, किसी डेंजर के बारे में किसी को पता नहीं है, उसे हम कहते हैं पिटफॉल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पेरिल या स्नैग। स्नैग आपके लिए न्यू वर्ड हो सकता है, इसे याद रखिएगा। ट्रिक देखिए याद करने की, ये रोड के बीच में बना पिट पैसेंजर्स के लिए पिटफॉल है। अब रोड के बीच में क्या बना हुआ है? पिट बना हुआ है। पिट यानी क्या होता है? गड्ढा। तो रास्ते के बीच में गड्ढा है, तो गड्ढा पैसेंजर्स को तो पता नहीं है कि रास्ते के बीच में गड्ढा है, तो उनके लिए क्या हो सकता है? पिटफॉल हो सकता है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड अच्छे से याद रहने वाली है। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर टोल्ड द न्यू स्टूडेंट्स अबाउट पिटफॉल्स टू अवॉइड। टीचर ने नए बच्चों को पिटफॉल्स के बारे में अवेयर कराया कि जो चीज़ें उन्हें क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ऐसा डेंजर चीज़ें, कोई भी डिफ़िकल्टी जिन्हें उन्हें अवॉइड करनी है, टीचर ने न्यू स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इंटेंडेड टू पनिश समवन और समथिंग। यानी जब हम किसी को पनिश करने के लिए कुछ ऐसी पनिश करने के इंटेंशन से हम कुछ करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्यूनिटिव। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पेनल या डिसिप्लिनरी। याद करने की ट्रिक देखिए, अच्छे इनिशिएटिव को रोकने वालों पे प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा। यानी जो अच्छे इनिशिएटिव को, अच्छे कार्यों को रोकेंगे, उस पे क्या किया जाएगा? उन पे पनिशमेंट वाली, पनिश करने का एक्शन उनके विरुद्ध लिया जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द यून हैज़ इम्पोज्ड प्यूनिटिव सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान। तो यूएन ने क्या इम्पोज किया है? प्यूनिटिव एक्शन, यानी पनिश करने वाला सैंक्शन इम्पोज किया है किस पे? पाकिस्तान पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेसियस। ग्रेसियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्लीजेंटली काइंड। यानी कि बहुत ही ज़्यादा दयालु होना क्या कहलाता है? ग्रेसियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कर्टियस या बिनाइन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रूअल या अनग्रेसियस। याद करने की ट्रिक देखिए, गरीबों को गिफ्ट देने वाली लेडी ग्रेसियस है। यानी जो गरीबों को गिफ्ट दे रही है, दान कर रही है, तो वो लेडी कैसी होगी? दयालु ही तो होगी। तो गरीबों को गिफ्ट देने वाली लेडी क्या है? ग्रेसियस है। एग्जाम्पल देखते हैं, सी वॉज अ वेरी ग्रेसियस लेडी। वो कैसी लेडी है? ग्रेसियस लेडी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टेप इन। स्टेप इन क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बिकम इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन स्पेशली इन ऑर्डर टू हेल्प। यानी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें इन्वॉल्व होना, उसमें सम्मिलित हो जाना, स्पेशली किस वजह से? मदद करने की वजह से। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टेप इन करना। यानी आप किसी के प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो रहे हो, क्या करने के लिए? उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंटरवेन या इंटरसीड। याद करने की ट्रिक देखिए, उसकी स्टेप मदर उसकी किसी भी प्रॉब्लम में स्टेप इन नहीं करती। स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ, है ना? तो उसकी जो सौतेली माँ थी, उसकी जो स्टेप मदर थी, वो उसके किसी भी प्रॉब्लम में स्टेप इन नहीं करती थी। यानी कि कोई भी उसके डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होती थी उसे हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस ट्रिक से हम कैसे इस वर्ड को याद रख सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ऑफिशियल सेड द गवर्नमेंट टू स्टेप इन। सॉरी, ऑफिशियल आस्क द गवर्नमेंट टू स्टेप इन।
तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि वो स्टेप इन करें, जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें स्टेप इन करें और हेल्प करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखा कि इस वर्ड को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपको ये सारी ट्रिक्स हेल्प करनी होंगी इन वर्ड्स को याद रखने में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।